On the page number 19, our topic is asthma. Asthma is allergy that causes the airway of the lungs to swell and narrow. Asthma एक allergy है that cause जो affect करती है, किसको affect करती है? सांस की नालियों को, to swell and narrow, कि वो सूज जाती हैं और वो सुकड़ जाती हैं. A person with asthma may waste a visiting sound he or she breathes. अगर किसी पर्सन को अस्थमा हो तो कहते हैं कि जब वो सांस लेता है तो ऐसी आवाज़ आती है जैसे विस्टलिंग साउंड आती है, जैसे कि एक सीटी की आवाज़ आती है. कफ एंड टाइटनेस इन द चेस्ट, या तो उसे बहुत छींकें आती हैं या तो उसे अपनी चेस्ट में बहुत दबाव भी महसूस होता है. या द थिंग्स दैट कॉज द अस्थमा आर कॉल्ड एलर्जन, जो चीज़ें जो है वो अस्थमा की वजह बनती हैं वो क्या कहलाती हैं? एलर्जन. डस्ट मेड पोलन ग्रेन, डस्ट मेन मतलब डस्ट पार्टिकल्स की बात करें, एंड सम फूड मे कॉज द अस्थमा, और कुछ ऐसा फूड्स भी होते हैं जो जिन लोगों को अस्थमा होता है उनको कुछ ऐसा फूड भी होता है जिससे अस्थमा का अटैक हो सकता है. सिम्टम्स ऑफ द अस्थमा, अलामत अस्थमा की क्या हैं? अटैक मे बी कफ, बहुत ज़्यादा छींकें आना, शॉर्टनेस ऑफ ब्रीथ, सांस का कम आना, वेजिंग मीन अगेन से वही बात, साउंड आवाज़ प्रोड्यूस होना, एक्सट्रीम डिफिकल्ट इन ब्रीथिंग, बहुत ज़्यादा जो है वो सांस लेने में मुश्किल, दुश्वारी होना, चेस्ट पेन, स्वेटिंग, पसीना एंड इंक्रीज पल्स रेट, और जो है वो पल्स रेट भी इंक्रीज होता है या हार्ट बीट तेज़ होती है. एंड सब अस्थमा अटैक मे लेड टू डाई, और कभी कभार ये अस्थमा अटैक जो है वो मौत का भी सबब बन सकता है. इट इज़ नॉट ईजी टू क्योर दी अस्थमा, इसको क्योर करना आसान नहीं है या कंट्रोल करना आसान नहीं है, बट वन कैन बी नॉर्मल एंड एक्टिव इवन विद दी अस्थमा. अगर इसको नॉर्मल अगर करना चाहें या बार बार अटैक ना हो तो क्या करना चाहिए? कुछ प्रिकॉशंस हैं. ट्राई टू अवॉइड द एलर्जन ऑफ दी अस्थमा, जिन चीज़ों से एलर्जी होती है उन चीज़ों को दूर किया जाए या उनसे दूर रहा जाए. यूज़ प्लेंटी ऑफ वाटर, इट विल गिव यू रिलीफ, ज़्यादा से ज़्यादा पानी पिए ताकि वो आपको अगर अस्थमा अटैक हो रहा है तो वो फ़ौरन से रिलीफ होता है. ऑन द एडवाइस ऑफ द डॉक्टर यूज़ मेडिसिन और इनहेलर, और डॉक्टर की एडवाइस के मुताबिक कुछ मेडिसिन या इन्हेलर वगैरह यूज़ किया जाए. इन्हेलर यहाँ पर बना हुआ है, इस तरह का इन्हेलर होता है जिसको अगर अस्थमा अटैक होता है तो डॉक्टर की एडवाइस के मुताबिक वो इन्हेलर यूज़ करता है तो उसको